नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी से मिले केजरीवाल, मांगा पूर्ण राज्य का दर्जा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने हाथ मिलाकर केजरीवाल को जीत की बधाई दी। इस अवसर पर केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया भी साथ थे। आप नेता सिसोदिया ने मुलाकात के बाद बताया कि केजरीवाल ने पीएम से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मोदी ने उन्हें इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आपकी रिकॉर्ड तोड़ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आप नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। मंदिर बनाने से दुखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह उनके नाम पर मंदिर बनाए जाने की खबरों से स्तब्ध हैं। मोदी ने लोगों से कहा कि इसकी जगह उन्हें समय और संसाधनों का इस्तेमाल स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में करना चाहिए। मोदी ने कहा कि मेरे नाम पर मंदिर बनाने की खबर मिली है, मैं हतप्रभ हूँ, यह स्तब्ध करने वाला और भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंदिर बनाना हमें हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। व्यक्तिगत तौर पर इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। यह काम कर रहे लोगों से ऐसा न करने का आग्रह करता हूँ। मोदी ने ट्वीट किया कि यदि आपके पास समय और संसाधन हैं तो कृपया इन्हें स्वच्छ भारत के हमारे सपने को पूरा करने में लगाएं। बिहार के मुख्यमंत्री मांझी 20 को साबित करेंगे बहुमत। बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने बुधवार रात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से कहा कि वह 20 फरवरी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद मांझी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल का मांझी को यह निर्देश जदयू नेता नीतीश कुमार, जदयू अध्यक्ष शरद यादव, राजद नेता लालू प्रसाद और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के 130 विधायकों के साथ राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाने के कुछ घंटों बाद ही आया है।